I said next one. I said sulfur cycle. Which cycle? सल्फर कहां से आता है सोयल में? इट कम्स थ्रू वोल्केनिक इरप्शन. यस आर नॉट? एंड व्हेन द वोल्केनिक इरप्शन टेक्स प्लेस, और वोल्केनिक इरप्शन कब से हो रहा है? यस टेल मी. यस टेल मी. मिलियंस ऑफ इयर्स से हो रहा है. और नाइट्रोजन भी अवेलेबल है. दे आर मेकिंग व्हाट इज द नाम, वो भी वाटर के साथ रिएक्ट करता है, नाइट्रिक एसिड बनाता है यदि ज्यादा कंसेंट्रेशन होगा. एंड सल्फर, ये लोग जब बहुत वोल्केनिक इरप्शन हो रहा था, देयर आफ्टर इट इज कमिंग ऑन टू द अर्थ सर्फेस. और जब कोल बन रहा था तो अलोंग विद कोल देयर इज एन कमिंग ऑफ नाइट्रोजन. यस. एंड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ कोल देयर इज एन कमिंग ऑफ सल्फर. सो कल कार्बन में क्या हो गया, कोल में क्या क्या है? नाइट्रोजन एंड सल्फर. और इंडियन कोल के साथ एक प्रॉब्लम है कि इट हैज मोर ऑफ सल्फर. इट इज मोर ऑफ सल्फर कंटेंट. ध्यान में रखिएगा, व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन कोल्स? इट हैज मोर सल्फर कंटेंट. कोल्स इन इंडिया हैज सिमिलरली इट इज कमिंग इन टू द ओशन एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैज ऑल्सो सल्फर कंटेंट. है कि नहीं दोनों? सो वी आर गेटिंग सल्फर. वेयर वी आर गेटिंग सल्फर? इन आवर अर्थ सर्फेस. आई सेड दैट इन द पेट्रोलियम वी हैव व्हाट? सल्फर. And we have what? In the coal, we have what? Sulfur. And this sulfur is coming in our society through what? On the earth surface through volcanic eruption. It is in a natural cycle. If it is coming into the volcanic eruption, it is going into the अर्थ एटमॉस्फेयर, और कहीं कहीं पर सेडिमेंट्स के फॉर्म में भी आ रहा है. इट इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? सेडिमेंट्स. और एटमॉस्फेयर में जा रहा है तो सल्फर ऑक्साइड्स एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड्स के फॉर्म में. एंड यू नो दैट द सल्फर ऑक्साइड्स यदि है सल्फर डाइऑक्साइड, सो इट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन. इट मेक्स व्हाट इज एन एसिड दैट सल्फर ट्राइऑक्साइड. एंड दिस सल्फर ट्राइऑक्साइड react with what is in our water, and it is making what? And then we have we are able to get what is in our H2SO4 diluted, jo hamare sharir mein turant effect to karega nahi, girega to jitne bhi acidic rain fall hote hain hamare sharir pe effect nahi karega. Understood? Lekin aap 15-20 din nahi naoge to fir effect karega. Clear? So and वैसे भी हम लोग एक महीने में अपने स्किन को चेंज कर लेते हैं. So I said that और जो नहीं नहाता होगा उसका स्किन ऊपर से नजर आएगा. सो आई सेड दैट ये H2SO4 डाइल्यूटेड एसिड ये क्या कर रहा है? रेनफॉल कर रहा है. तो ये एक साइकिल मेंटेन किया है, जितना अर्थ से आ रहा है उतना ऊपर से जा रहा है. यस आर नॉट? वोल्केनिक इरप्शन से व्हाट इज हैपनिंग? यस टेल मी. थ्रू द वोल्केनिक इरप्शन ऑन द सेडिमेंट्री एंड देन इट इज गोइंग इन टू द एटमोस्फेयर एंड देन कमिंग बैक इन टू द एसिडिक सॉइल. एसिडिक रेनफॉल वेरी लेस. लेकिन आज के डेट में क्या हो गया? आई सेड दैट कंबजन कहां कहां पे हो रहा है. आई सेड दैट कंबजन ऑफ पेट्रोलियम फ्यूल्स कोल. यस. In the vehicles and industry, combustion of what? Petroleum fuels and coal. In the what? Vehicles and in industry.
कहां कहां पर? व्हीकल्स, इंडस्ट्री, थर्मल पावर प्लांट. यस, कहां पे? व्हीकल्स, ऑटोमोबाइल, व्हीकल्स, इंडस्ट्री. तो हमने क्या देखा? कंबजन ऑफ पेट्रोलियम फ्यूल्स, कोल, कहां पे हो रहा है? वेयर इट इज? व्हीकल्स, इंडस्ट्री. एंड इससे क्या हो गया? कंसेंट्रेशन ऑफ सल्फर ऑक्साइड्स कंपेयर टू द नॉर्मल साइकिल. कंसेंट्रेशन ऑफ सल्फर ऑक्साइड्स, डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, कंसेंट्रेशन ऑफ सल्फर ऑक्साइड एंड इन द फॉर्म ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, इन द फॉर्म ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड हैज बीन इंक्रीज्ड मोर देन नॉर्मल साइकिल. इंक्रीज्ड मोर देन, यस ऑर नॉट? आई सेड दैट. इसकी वजह से क्या हुआ? कंसेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड हैज बीन इंक्रीज्ड मोर देन, यस, सो रेनफॉल, ज्यादा से ज्यादा एसिडिक रेनफॉल होगा. यस आर नॉट? देर विल बी मोर एसिडिक रेनफॉल. और इससे एसिडिक रेनफॉल इंटेंसिटी हाईली इंक्रीज्ड. इंटेंसिटी ऑफ व्हाट आई सेड दैट? Highly increased intensity of acidic rainfall intensity highly increased. Then it started, और वो rainfall कहां हो रहा है? Soil and water, दो जगह पे होगा. And then soil के microorganism loss, and then water के aquatic ecosystem में there is an what? Ecological imbalance. So there, where there will be ecological imbalance? Yes, tell me. Soil and aquatic means terrestrial ecosystem and aquatic ecosystem. क्या हो जाएगा? Highly acidic. Yes or not? And इस acidic के चक्कर में क्या होगा? Some of the macroorganism in the terrestrial and in the what? Aquatic ecosystem. They will start what? Finishing, extinct, and then ecological imbalance, food chain, food wave, ये सारे cycles different disturb. So इससे क्या हुआ? Yes, tell me. Aquatic ecosystem, which one I said that? Aquatic ecosystem and terrestrial ecosystem become what? Highly. और इससे क्या हुआ? इकोलॉजिकल अंडरस्टूड? क्लियर? समझ में आ चुका? सो विच आर द साइकिल्स वी हैव सीन? नाइट्रोजन, कार्बन, फॉस्फोरस एंड and this is in a which kind of cycle? Sulfur cycle. So इसमें carbon cycle, nitrogen cycle, carbon cycle, these are what? Atmospheric. और एक phosphorus cycle is only what? Terrestrial cycle. Understood? ध्यान में रहेगा आपको. Shall I remove? Next, I said, what is ecological succession?
Just tell me what is ecological succession. पढ़ा